जी हेलो एंड वेलकम टू द ब्लड मार्किंग सीरीज में चैप्टर नंबर 34 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कदरे कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है लेकिन इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। कम है लेकिन आए हैं, रेपिटेशन से नहीं आए, लेकिन जो क्वेश्चंस आए हैं वो इंडिविजुअली काफ़ी सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअली आए हुए हैं वो क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट थोड़ी सी बना के पहले रखी हुई है ताकि कोई स्किप ना हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेलेट के फंक्शंस बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो ल्यूकोसाइट का बारी आ जाती है। ल्यूकोसाइट्स में ना बेसिकली वो सीक एंड फाउंड एंड डिस्ट्रॉय का अक्सर एमसीक्यू आया हुआ होता है टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद इनके नाम क्या क्या है, इनके परसेंटेज ये पता होना चाहिए। जेनेसिस में ऐसा कुछ आपका इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद लाइफ स्पेन जस्ट आपने एक एमसीक्यू पॉइंट के लिए रख सकते हैं। डायप्टेसिस का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पायर पैचेज, ये जस्ट एक एमसीक्यू के लिए रेड एक दे लें। एससीक्यू इसमें से इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। अगर न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो वो ये कहते हैं एक्शन ऑफ डिफेंसेस का बता दें, वो किस तरह से डिफेंस करते हैं। अब उसमें आपको सारे का सारा मैकेनिज्म, डायप्टेसिस कैसे होता है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, कीमोटैक्सिंग मूवमेंट कौन सी होती हैं, ये सारा का सारा आपको बहुत डिटेल से नहीं करने की ज़रूरत। आप एक हेडिंग करें, हेडिंग करने के बाद ये जस्ट एक एमसीक्यू पॉइंट के लिए और वाइवा पॉइंट के लिए कीमोटैक्सिस मूवमेंट कौन सी होती है, कितनी होती है, बस ये कर लें। अगर बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है, इसको फिर दो से एक बार रीड कर लें, सारा आपको याद रहेगा भी नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस हाईलाइट कीजिएगा। फैगोसाइटोसिस ये किस तरह से करते हैं, ठीक है, उसके बाद फैगोसाइटोसिस जब ये करते हैं तो कौन सी तीन स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, ये पूछ सकते हैं। और ऑप्शनाइजेशन क्या होती है, ये वाइवा का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शनाइजेशन क्या होती है। उसके बाद आगे आ जाते हैं फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स, ये जस्ट आप एक रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको पैथोजन की फैगोसाइटोसिस पर क्वेश्चन आता है किसी भी कंडीशन में, अभी तक आया नहीं, चांसेस होते हैं कि कुछ हर साल एक न्यू बनता है, तो मेरा कहना ये है कि ये एक बार डायग्राम लास्ट में कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैक्रोफेजिस में जस्ट एक एमसीक्यू आता है कि कितने ज़्यादा ये होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस में ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि वाई मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस करते हैं वो क्यों ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स, और कितना ज़्यादा करते हैं, कितना इसकी कैपेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये जैसे आपकी रीड है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एसिक्यू शुरू होता है, वो ये है, उसको डिफरेंट नाम से दिया जाता है, रेटिकुलो एंडिथीलियल सिस्टम या मोनो मैक्रोफेजिस सिस्टम। इसमें ये आपको अच्छे से आना चाहिए, अपना एक नोट्स की फॉर्म में बना के रख लें, आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प कर जाएंगी। इसमें ये याद रखिएगा कि ये डायग्राम हमेशा ड्रा कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, ये जस्ट एक आपकी वो कहते हैं ना, एक अगर आप नाम भी कर लें तो बहुत होंगे, तो डैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ये स्पेशली आपका हिस्ट्रो में काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बाकी एमसीक्यू के लिए रीड है, एससीक्यू नहीं आएगा, एससीक्यू यही आएगा। ओके, तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हाउ फैगोसाइटोसिस इज सिलेक्टिव। ये पीछे मैं आपको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, सॉरी। फैगोसाइटोसिस जो है वो सिलेक्टिव क्यों होती है, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट रीजंस आपको पता होने चाहिए जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में राइट डाउन कर लें, जब आप रीड करेंगे तो आपको अंदर से ये रीजंस खुद निकालनी पड़ेंगे व्हाई फैगोसाइटोसिस इज सिलेक्टिव। ये 2020 के जो डिफरेंट सेंडअप्स हैं उसमें रिपीट हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेम्स ऑफ द, अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता होता है कि नेम ऑफ द मैक्रोफेजेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक अगर वो लिम्फ नोड में होंगे तो क्या कहेंगे, अगर वो लंग्स में होंगे तो क्या कहेंगे, अगर वो लीवर में होंगे तो क्या कहेंगे, अगर वो बोन मैरो स्प्लीन में होंगे तो क्या कहेंगे, या फिर ये पूछते हैं किन पार्ट्स में मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए, इसके स्टेप्स इन्वॉल्व कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, और वॉलिंग ऑफ इफेक्ट तो यूक्यू है ही है, ये तो आपने करना ही करना है। ठीक हो गया, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। अगर इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें इन्फ्लेमेशन, सॉरी, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट है एक, उसके बाद आपका जो सेकंड मोस्ट आता है वो है लाइंस ऑफ डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है।
अब इस लाइन ऑफ इफेक्ट को आप ऐसा सारे का सारा तो नहीं लिख सकते, आप इसको सारे का सारा राइट डाउन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हेडिंग्स है उसको फोकस में रखना है, आपने नंबर्स के हिसाब से उसको आंसर लिखना है, लाइक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आपने क्या करना है, आपने हर नंबर के लिए, पाँच का तो ये बहुत कम आता है, तीन का आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कितनी लाइन ऑफ डिफेंसेज हैं, हर एक में कौन सी इन्वॉल्व होती है, और थोड़ी थोड़ी डिटेल, थोड़ी थोड़ी डिटेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट वाला जो रह जाता है वो आ जाता है हमारे पास, ये जस्ट आपके एक रीड है, फोर के बाद फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस के बाद एक रीड है, जनरल सी पस क्यूमुलेशन कैसे होती है, जस्ट एक नॉर्मल। एसिनोफिल्स क्या होते हैं? अच्छा, एसिनोफिल्स और बेजिलोफिल्स का एक मेन काम आपने आगे वाले चैप्टर्स के लिए हेल्पफुल होगा वो ये याद रखना, बेजोफिल एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और एसिनोफिल्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये बातें आपने याद रखनी है ना इन्वॉल्वमेंट की, तो आपको आगे हेल्प होगी, ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे। ल्यूकोपेनिया आपको डिफरेंट सिनारियो में उठा के दे सकते हैं, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी आगे, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ये आपको डिफरेंट सिनारियो में दे सकते हैं। डिजीज़ आपने मिस नहीं करनी किसी भी चैप्टर की, ये तो एक नसीहत वाली बात है, क्योंकि बाज दफ़ा हम स्किप करवा देते हैं चीज़ें लेकिन बाद में वो मसला होता है। ब्लड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए आपको बहुत कम स्किप करने को मिलेगा, लेकिन यूक्यू जो अंदर के थोड़े से क्वेश्चन है वो आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। तो होपफुली आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।